डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिजिक्स में चुंबकीय क्षेत्र नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो एक खंड तीन का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में किया गया कार्य, यानी कि जब किसी भी चुंबक को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो किया गया कार्य कितना होता है विक्षेपण के द्वारा, विक्षेपण के कारण, ठीक है। तो हम लोग उसने उसको पढ़ा था। आज उसके अगले टॉपिक्स का अगर बात करें तो चुंबक का अक्षीय और निरक्षीय स्थिति टॉपिक्स है। लेकिन दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है हम लोगों के लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन फिर भी विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका अच्छी स्थिति में क्या व्यंजक आया था और निरक्षीय स्थिति में उसका व्यंजक क्या आया था। सेम चीज प्रूफ भी वही है। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज को हम भी नोट कर लें तो आपको सिर्फ चुंबकीय चुंबक के वजह से चुंबक का अच्छी स्थिति यानी चुंबकीय क्षेत्र का अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति को प्रूफ करने के लिए आप सहारा ले सकते हैं विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो वो हम लोग टॉपिक्स को पढ़े हुए, सेम टू टॉपिक, मतलब कि वही टू कॉपी वही है, इसलिए हम इस टॉपिक्स को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स हम लोग विद्युत क्षेत्र में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, किसी भी चुंबक का उदासीन बिंदु क्या कहलाता है या उदासीन बिंदु का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उदासीन बिंदु को समझने के लिए कुछ टॉपिक्स दिया जाए, लिखेंगे एरो देकर, चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु उस बिंदु को कहा जाता है, उस बिंदु को कहा जाता है जहां दो भिन्न चुंबकीय क्षेत्र, जहां दो भिन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परिमाण के बराबर हो, परिमाण के बराबर हो तथा दिशा में विपरीत हो, तथा दिशा में विपरीत हो। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु उस बिंदु को कहा जाता है जिसमें सबसे पहला इसके लिए कंडीशन है दो चुंबक होना चाहिए। कितने चुंबक होना चाहिए भाई? दो चुंबक, और दोनों का परिमाण जो है बराबर होना चाहिए, परिमाण बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों का सेम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, परिमाण बराबर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, और उनका जो दिशा होना चाहिए वो विपरीत होता है, दिशा जो है क्या है, विपरीत है, यानी कि जिसका परिमाण बराबर हो और दिशा विपरीत हो तभी हम क्या निकाल सकते हैं, उदासीन बिंदु। यानी उदासीन बिंदु के लिए दो कंडीशन है,
पहला ये कि दो चुंबक होना चाहिए और दोनों चुंबक का परिमाण जो है बराबर होना चाहिए। परिमाण बराबर का मतलब दोनों का वैल्यू, जैसे दो दो चुंबक होंगे तो दोनों चुंबक अलग अलग अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू बराबर होना चाहिए। जैसे मान लिया एक चुंबक जैसे कि 50 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो दूसरा चुंबक भी कितना का होना चाहिए, 50 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। तो इसीलिए बोलेंगे हम लोग कि परिमाण बराबर। और दिशा विपरीत का मतलब एक का नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे, तो दूसरे का नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे, यानी कि विपरीत में रखना चाहिए। यानी कि वो जो ध्रुव है होता है, एक को आप नॉर्थ पोल को इधर रख रहे हैं तो हम साउथ पोल इधर है, तो अगला दूसरा जो चुंबक होगा उसका साउथ पोल इधर रखेंगे और नॉर्थ पोल इधर रखेंगे। उत्तरी ध्रुव माने अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि उदासीन बिंदु किसी भी चुंबक का वह बिंदु होता है जिसमें दोनों चुंबक का परिमाण बराबर हो और दिशाएं विपरीत हो। ठीक है, फिर लिखेंगे उदासीन बिंदु के लिए, नेक्स्ट एरो, उदासीन बिंदु के लिए दो अवस्थाएं होती है। उदासीन बिंदु के लिए दो अवस्थाएं होती है। नंबर वन, पहला अवस्था का नाम और दूसरा अवस्था का नाम। उदासीन बिंदु के लिए दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था में लिखना है यदि चुंबक को चुंबकीय आम्योतर में उत्तरी ध्रुव की ओर रखा जाए और दूसरा अवस्था में लिखेंगे, दूसरा में यदि चुंबक को चुंबकीय आम्योतर में दक्षिण दिशा की दक्षिणी ध्रुव की ओर रखा जाए चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे हम लोगों का कौन सा कंडीशन प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहला बात कि उदासीन बिंदु की कितनी अवस्थाएं हैं, दो अवस्थाएं। नंबर वन कब, जब चुंबक को चुंबकीय आम्योतर में उत्तरी ध्रुव की ओर रखा जाए और उसी चुंबक को चुंबकीय आम्योतर में दक्षिणी ध्रुव की ओर रखा जाए। यानी कि कुल मिलाकर हमें देखा जाए तो दोनों अपोजिट है, एक नॉर्थ के लिए एक उत्तरी ध्रुव में रखा गया है और एक दक्षिण ध्रुव में रखा गया है। तो चलिए हम लोग अलग अलग केस को हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोगों को प्राप्त होगा। तो अब लिखिएगा केस वन, केस फर्स्ट देकर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फिगरली ड्रॉ करेंगे कि क्या बोल रहा है। केस वन लिखकर एरो देंगे, लिखा जाए जब चुंबक को चुंबकीय आम्योतर में उत्तरी ध्रुव की ओर रखा जाता है तो
तो उदासीन बिंदुओं की स्थिति, उदासीन बिंदुओं की स्थिति उदासीन बिंदुओं की स्थिति निरक्षीय रेखा पर होती है, निरक्षीय रेखा पर होती है। चलिए सबसे पहला बात कि हम लोग डायरेक्शन को सीखते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, दिशाएं क्या होती है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे फिर हम लोग सही से चीजों को नहीं सीख पाएंगे। तो आपको पता है मैप में, मानचित्र में इधर होता है ईस्ट डायरेक्शन, इधर होता है वेस्ट डायरेक्शन, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, ठीक है। ये मैप में, मानचित्र में ऐसे ही दिशाएं ज्ञात की जाती है। इधर होता है ईस्ट मतलब पूरब, ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम और नीचे की ओर होता है दक्षिण, ठीक है। तो ये मैप को इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग वैसे ही लाइंस यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग डॉट डॉट से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एक्स अक्ष और ये हो गया एक्स डैश अक्ष और ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हो गया हम लोगों का ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। तो अभी हम लोग केस वन पढ़ रहे हैं, तो केस वन में क्या बोला गया जरा देखिए। केस वन में बोला कि एक चुंबक को हम लोग उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव को रखेंगे। केस वन में क्या बोला कि चुंबकीय आम्योत्तर में उत्तर की ओर जब हम लोग चुंबक को उत्तरी ध्रुव की ओर रखेंगे, यानी कि ऐसे, ये हो गया हम लोगों को नॉर्थ पोल और ये हो गया हम लोगों का साउथ पोल, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ पोल। दोस्त आपको जब कभी भी अगर बोलेगा कि उदासीन बिंदु ज्ञात कीजिए, कब, जब उत्तरी ध्रुव इसका उत्तर का ओर, उत्तर की ओर होगा, तो जब उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर होगा इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों का जो उदासीन बिंदु होता है वो निरक्षीय स्थिति पर होता है, यानी कि यही कहलाता है निरक्षीय स्थिति। ये जो है ना जिसको हम लोग डबल लाइंस कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है निरक्षीय स्थिति। और इसी पर सबका वैल्यू होगा हम लोगों का उदासीन बिंदु, यही कहलाता है हम लोगों का उदासीन बिंदु। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों, तो जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर होगा तो हम लोग इस पॉइंट को भी उदासीन बिंदु बोलेंगे, इस पॉइंट को भी उदासीन बिंदु बोलेंगे। ये सब जितना सारा पॉइंट हम लोग डिनोट्स कर रहे हैं ये सब सभी क्या है, उदासीन बिंदु है। तो हम इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, यानी कि पूरा सीधा वाले लाइन पे कोई भी बिंदु रखेंगे वो उदासीन बिंदु कहला जाएगा। ये भी उदासीन बिंदु, ये भी, ये भी, ये भी, सभी उदासीन बिंदु कहलाएंगी, ठीक है। तो ये था हम लोगों का केस नंबर वन, केस नंबर वन का ये फिगर बना लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं केस नंबर टू पढ़ने। केस नंबर टू लिखा जाए, लिखेंगे केस नंबर टू, जब चुंबक को, जब चुंबक को चुंबकीय आम्योत्तर में
जब चुंबक को चुंबकीय आम्योतर में उसे दक्षिण की ओर रखा जाए तो उदासीन बिंदु की स्थिति उदासीन बिंदु की स्थिति अक्षीय रेखा पर होती है। उदासीन बिंदु की स्थिति अक्षीय रेखा पर होती है। चलिए इस बार क्या हुआ है हम लोग का, आप तो डायरेक्शन समझ ही रहे हैं, हमेशा दिशा तो कभी नहीं बदलेगा ना, इधर ईस्ट होता है तो उधर ही ईस्ट रहेगा, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है नॉर्थ ऊपर ही रहेगा, साउथ इधर ही रहेगा वेस्ट इधर ही रहेगा। लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं, चुंबक को अब दक्षिणी ध्रुव रखा जाता है, यानी इसको अब उलट के रखेंगे, यानी अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, सब चीज वही रहेगा इसीलिए अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ठीक है मिटा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों का ये अभी क्या है, तो ये वाई डैश और वाई है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहां से कि हमें ये जो चीजें दिख रही है यहां पे, आप समझो तो इधर भी हमारा ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है वो चीज तो क्लियर है। लेकिन इस बार जो हम लोग चुंबक को रख रहे हैं ना, वो बहुत अजीब तरीके से रख रहे हैं। इस बार जो चुंबक को रखा जा रहा है वो कुछ इस तरीके से रखा जा रहा है। इस बार ऊपर जो है साउथ पोल को रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, और नीचे जो है नॉर्थ पोल को रखा गया है, यानी कि इसका दक्षिण ध्रुव की ओर रखा गया है, यानी कि ये कहा गया कि मतलब मेरा उत्तर जिधर है डायरेक्शन में उधर घुमा के रख दिए, उधर साउथ वाले ध्रुव को रख दिया, दक्षिणी ध्रुव को रखा गया है। तब हम लोगों का जो उदासीन बिंदु होगा वो होगा ये वाला, अच्छी स्थिति, देख पा रहे होंगे इसको अंडरलाइन किया जा रहा है, अंडरलाइन का मतलब यही होता है अच्छी स्थिति। हम लोग अच्छी और निरच्छी स्थिति के बारे में पहले भी पढ़े हुए हैं, अच्छी स्थिति, ठीक है। तो ये हम लोगों का अच्छी स्थिति है और इसी पर हम लोगों का सब जितना भी बिंदु होता है अच्छी स्थिति पर होता है, यानी कि कौन से बिंदु, उदासीन बिंदु, कब, जब इसका केस टू रहेगा, यानी कि दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर रहेगा, तब हम लोग इसको उदासीन बिंदु देखेंगे। ये सभी जितना भी बिंदु हैं, अच्छी स्थिति वाले जितना भी बिंदु हैं, वो कहलाएंगे, ये सभी सारे उदासीन बिंदु कहलाएंगे, उदासीन बिंदु। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जस्ट इसका अपोजिट है। आप याद रखिएगा कि केस नंबर वन में निरक्षीय स्थिति मेरा कहलाता है उदासीन बिंदु, लेकिन केस नंबर टू अच्छी स्थिति को उदासीन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग उदासीन बिंदु को समझ रहे थे। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। तो अगले टॉपिक्स की ओर देखा जाए लिखेंगे छड़ चुंबक का, टॉपिक्स देखेंगे, टॉपिक्स लिखेंगे, टॉपिक छड़ चुंबक का परिनालिका जैसा आचरण, छड़ चुंबक का परिनालिका जैसा आचरण, परिनालिका जैसा आचरण, ठीक है, छड़ चुंबक का परिनालिका जैसा आचरण। अब हम लोग क्या देख रहे हैं,
ये जो टॉपिक्स में कि जो छड़ चुंबक है एक तरीके से परिनालिका जैसा व्यवहार करता है। अब एक छड़ चुंबक जो है परिनालिका के जैसा व्यवहार कैसे करता है तो उन चीजों को हम लोग समझते हैं। तो उसके नीचे फर्स्ट एरो दिया जाए जो अभी टॉपिक्स बनाए हैं, लिखा जाए फर्स्ट एरो लेकर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व, चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व गतिशील आवेश या विद्युत धारा के कारण होता है, इसी संदर्भ में धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुसार के अनुसार प्रत्येक धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव जैसा कार्य करता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू एन एल ए होता है जहां एम क्या है तो चुंबकीय द्विध्रुव, आई क्या है विद्युत धारा, ए क्या है क्षेत्रफल, ठीक है ए क्या है हम लोग का क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो एम बराबर एन आई ए ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव का वैल्यू। अच्छा इसमें हम लोग अभी क्या लिखें, तो अभी हम लोग इन्हीं सारे बातों को लिखे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो अस्तित्व किसके कारण होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो अस्तित्व होता है वो गतिशील आवेश के कारण होता है या फिर किसी भी परिपथ या किसी भी वायर में विद्युत धारा जब पास करती है तब हम बोलते हैं कि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व है। क्योंकि हम लोग हर बार तो पढ़ते हैं ना किसी भी वायर में जब चार्ज आवेश तेजी से गतिशील होता है तो उस वायर में करंट आता है, और जब उस वायर में करंट आता है तदुपरांत हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है या उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो बोला गया कि उसमें जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है वो कितना होता है एन आई ए होता है, जहां पे एन अच्छा एन के बारे में लिखना बोल देना, एन के बारे में होता है फेरों की संख्या, तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो चुंबक होता है ना वो किसके जैसा बिहेवियर करता है, तो चुंबक एक परिनालिका के जैसा बिहेवियर करता है, परिनालिका के जैसा काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो इन फार्मूला को हम लोग पहले पढ़े हैं, आप इन चीजों को लिख लीजिए। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो परिनालिका का और चुंबक का तो दोनों का आचरण एक ही जैसा है, जरा फिगर ड्रॉ करेंगे अब इसको लिख लीजिए। चलिए
एक तरफ परिणालिका का अगर देखें बिहेवियर आचरण, तो हम लोग क्या देखते थे कि परिणालिका जो होता था एक बेलनाकार ट्यूब पर, एक बेलनाकार ट्यूब पर क्या होता था तो फेरों की संख्या लपेटा जाता था जैसे ऐसे। फिगर क्लियर बनना चाहिए। ठीक है, देख पा रहे होंगे हम लोग क्या करते थे परिणालिका में कि कोई भी बेलनाकार बेलनाकार ट्यूब पे हम लोग किसी भी वायर को, कॉपर वायर को विद्युत रोधित करके उसको पास पास लपेटते थे। और हम अब लोग अगर बात करें तो एक चुंबक है, एक चुंबक है और चुंबक का आचरण देखिए, एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पर आकर एंड होता है बाहर, यानी कि ऐसे। ठीक है, ऐसे और भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। तो आप अगर बातों को समझिए तो जो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर हम लोग यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, अभी बाहर की ओर ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे, तो अंदर अंदर का बात करते हैं तो हम लोग दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव इसका डायरेक्शन होता है, लेकिन बाहर की ओर बात करें तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है इसका डायरेक्शन। अब समझो कि जहां पे एक यहां पे ट्यूब था उसके बाद बाहरी तरफ से हम लोग वायर लपेट रहे थे, तो आज से आपको पता चल रहा होगा कि ए भी कहीं ना कहीं दोनों को आचरण मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कि जैसे मान लिया कि यहां पे एक ट्यूब चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होता है एक लूप में बनाता है, एक लूप बनाता है चुंबकीय क्षेत्र एक लूप बनाता है, और यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे ना ये लूप है, और इस लूप के वजह से अगर मान लिया कि हम ऐसा कह रहे हैं कि वृत्ताकार लूप, जैसे मान लिया कि अगर ये रहता मेरा चुंबक तो इससे चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलता, ऐसे गोला गोला ऐसे निकलता और ये ऐसे निकलता, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे ऐसे गोला गोला करके एक वृत्ताकार लूप बनाता चुंबकीय क्षेत्र, और जब हम उसके अंदर में एक पाइप या बेलनाकार पाइप को उसके अंदर डाल देते तो फिर क्या परिणालिका के जैसा नहीं दिखता, क्या सेम दिखता। देखिए अंदर क्या पड़ रहा है ना कि परिणालिका में एज इट इज सब चीज दिख रही होती है, लेकिन यहां पे दिखती नहीं है क्योंकि चुंबक रहता है और चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्ताकार लूप बनाता है, ऐसे यहां से निकलता है उत्तरी ध्रुव से निकलता है दक्षिणी ध्रुव पे एंड हो जाता है, ऐसा करता है तो एक वृत्त बनाया। और दोस्तों ऐसा वृत्त अगर बनाते चला गया, जैसे मतलब ऐसे 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 अगर वृत्त वृत्ताकार लूप बनाते चला गया, फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं एक बेलनाकार पाइप को डाल रहे हैं, तो क्या फिर से वही जैसा नहीं लग रहा है, यानी कि अगर हम लोग इतना पे डाल दें, अगर मान लिया जाए कि एकदम बराबर से अगर ड्रॉ करें
ठीक है, इतना ऐसे समझ लीजिए। और उसके बाद जब हम इसमें एक पाइप, बेलनाकार पाइप डाले, तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा है क्या यहां पे कि कहीं ना कहीं हम लोगों का भी यहां पे सर्कुलर फॉर्म, जैसे कि ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया, तो एक बेलनाकार पाइप को अगर उसके अंदर डाला जाए चुंबकीय क्षेत्र में, तो सेम हमें पता चलेगा क्या कि परिनालिका के जैसा आचरण ही है। तो यहां पे लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र का आरेख, चुंबकीय क्षेत्र का आरेख। अब उसके बाद उसके नीचे नोट में लिख देंगे, फिगर बनाने के बाद, फिगर बनाने के बाद नोट में लिखेंगे, उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि, उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि एक चुंबक का आचरण परिनालिका के लगभग बराबर ही है, परिनालिका के लगभग बराबर ही है। तो हम लोग आज पढ़े कि एक चुंबक जो है परिनालिका से कम नहीं है, क्योंकि दोनों को आचरण सेम है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।